हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के हॉल में मैं आपके साथ बैग्स, एक्सेसरीज और कुछ अपनी बेटी की ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए और अपने लिए परचेज करा है अमेजोन से। तो अमेजोन की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, साथ में मेरे माई हॉल स्टोर की भी लिंक मिलेगी, तो जरूर वहां से चेकआउट करिएगा। अमेजोन पे बहुत टाइम पे सेल चलती रहती है, तो आप लोग विशलिस्ट करके रखा करिए अपने प्रोडक्ट को, और जैसे ही कोई सेल चले तो आप अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ इस हॉल को। सबसे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैग के साथ, ये है सिल्वर कलर का बैग, सिल्वर गोल्डन काइंड ऑफ बैग है, बहुत ही लाइट वेट बैग है, और ये है लिनो पेरिसो का ब्रांड है, लिनो पेरिसो। और इसकी जो एकदम लाइट वेट हैंडल्स है ना, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर काफी अच्छे कंपार्टमेंट्स हैं, ये देखिए, यहाँ पे ये एक बीच में कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ये कंपार्टमेंट है, तो और एक पीछे भी, इसके पीछे यहाँ पे ये जिप कंपार्टमेंट है। जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जब आप इसको हैंग करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो इस तरह के बैग आप अगर कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं तो लाइट वेट बैग बहुत अच्छे होते हैं। सो मेरा ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद मैंने एक हैंडबैग और मंगाया है, जो कि ये है। ये ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, बट आपको सारी डिटेल्स नीचे मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है वुमेन मार्क्स, तो ये है, बट मुझे इसका शेप बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैंने इसको परचेज कर लिया। और यहाँ पे ये चेन की, इसकी जो बेल्ट है वो चेन की दी हुई है। अंदर की स्पेस की बात करूं तो स्पेस भी काफी अच्छा है, जिप की क्वालिटी अच्छी है, और इसके अंदर आपको एक बेल्ट भी एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि ये है। इनकेस आप इस छोटी सी बेल्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप लॉन्ग स्लिंग बैग भी इसको बना सकते हैं। इसके पीछे भी आपको ये कंपार्टमेंट मिलता है, अभी तो इसके अंदर पेपर वगैरह भरा है इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। मुझे आपको दिखाना था कि इसका शेप कितना ब्यूटीफुल है, इसलिए मैंने इसके अंदर का वो नहीं निकाला है पेपर। सो मेरा ये नेक्स्ट बैग हो गया। इसके बाद मैंने एक पीहू के लिए बैग मंगाया है, यूनिकॉर्न बैग है। इसके पहले भी पीहू के पास एक यूनिकॉर्न बैग था, बट अब की मैंने थोड़ा डिफरेंट उसके लिए मंगाया है, जो कि ये है। इसका ओरिजिनल पिक्चर जो था ना, वो कुछ और था, कलर कुछ और था, बट ये कुछ और आया है, तो शायद मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगी, डाल दूंगी, बट अभी तो मैंने एक्सचेंज नहीं किया है। और ये इसकी बेल्ट है, जब आप इसको हैंग करते हैं अंदर, इसमें आप यहाँ पीछे जिप है, जिप में जब आप अंदर इसके जगह में सामान भरते हैं तो ये फुल हो जाता है, तब इसका यूनिकॉर्न का जो शेप है वो पता चलता है। सो मेरा नेक्स्ट परचेज ये हो गया। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट बैग है, ये वही है जो पीहू के पास था। आपने पहले पीहू को बहुत बार देखा होगा, वो ट्रैवलिंग में लेके जाती है, कहीं भी जाती है तो वो इस बैग को अपने साथ हैंग जरूर करती है। सो इस बार फिर से मैंने ये बैग मंगाया है अपने किसी समवन को गिफ्ट देने के लिए। सो मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है, आपके बच्चों को अगर आप देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये चार बैग्स थे जो कि मैंने अमेजोन से परचेज करे हैं इस बार। अब मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ, जो कि मैंने इस बार कुछ व्हाइट मेटल वाली ज्वेलरी ली है, जिसको कि स्टेटमेंट ज्वेलरी भी बोलते हैं। दिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है ये, देखिए यहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई है, और जब आप इसको पहनेंगे, जब आप इसको वेयर करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। आप देखिए, मैंने आपको इसको दिखाया है पहन करके, ये काफी ब्यूटीफुल है। इसके साथ आपको इयररिंग्स एंड मांग टीके का भी सेट मिलता है, तो इनकेस आप कहीं मांग टीका लगाना चाहते हैं, इयररिंग्स पहनना चाहते हैं साथ में, तो भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्लैक ड्रेस के साथ एंड वाइट ड्रेस के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी बहुत सुंदर लगती है। आप इसको साड़ी में भी वेयर कर सकते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरह की पैकेजिंग में आता है ये, इस तरह से ये हो गया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट एक मंगाया है, ज्वेल्स गैलेक्सी का ये पीस है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एलिगेंट सा पीस है। आप अगर आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये वाला ज्वेलरी, दिखाती हूँ मैं आपको, चेन सी इस तरह से रहती है, और मैं भाई कहीं भी अभी आउटिंग में जाऊंगी तो इसको मैं पहनने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 150 या 200 के आसपास का ही ये पीस है, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसको पहनते हैं आजकल, तो मैंने इसको मंगाया है ये।
इसके बाद मैंने एक पीहू के लिए स्विम ड्रेस मंगाया है, क्योंकि हम लोग जब कहीं ऐसे रिजॉर्ट वगैरह जाते हैं तो वहां पे स्विमिंग पूल होता है, तो पीहू को मैं क्या पहनाऊं, बंडी और लाइक पैंटी पहनाऊं, उससे अच्छा है कि मैं पीहू के लिए एक यहाँ पे स्विम ड्रेस मंगा लूं। लेकिन मैंने पिंक कलर का ऑर्डर किया था, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का मुझे रिसीव हुआ है, सो मैं इसको एक्सचेंज में डालूंगी और ये एक दो दिन में मुझे एक्सचेंज होकर के ये उसका जो परफेक्ट कलर है वो मिल जाएगा। सो जब आप इसको कभी मेरे व्लॉग में देखेंगे पीहू को ऐसे स्विमिंग करते हुए या उसको आउटिंग करते हुए, तो आप इसको स्विम ड्रेस में जरूर देखेंगे। मैंने अपने लिए भी परचेज किया है, आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको। सो ये था मेरा शॉपिंग जो कि मैंने अमेजोन से करी है, और लिंक आपको सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जरूर चेकआउट करिएगा। अच्छा लगता है तो जरूर परचेज करिएगा और लाइक करिएगा मेरे वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।